नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज पार्टी की अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होगी, जिसमें नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हो सकती है। CWC की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में संगठन में बड़े बदलाव की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने अपने पद से हटने का फैसला कर लिया है। सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने पार्टी के अन्य नेताओं से नया अध्यक्ष ढूंढने को कहा है। आपको बता दें कि पार्टी के 20 से ज्यादा नेताओं ने चिट्ठी लिखकर फुल टाइम अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए, ऐसा होता भी है तो भी गांधी परिवार की अहम भूमिका बनी रहेगी। चिट्ठी लिखने वालों में आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, पृथ्वीराज चौहान, वीरप्पा मोइली समेत कई पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हैं। कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के मुताबिक CWC की बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक मुद्दों, अर्थव्यवस्था की स्थिति और कोरोना वायरस संकट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। CWC की बैठक उस वक्त हो रही है जब अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी एक साल की अवधि पूरा कर चुकी हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद उन्हें अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कांग्रेस के कई नेता खुलकर ये मांग कर चुके हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। हाल ही में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि कांग्रेस के 100% कार्यकर्ताओं की यही भावना है कि राहुल गांधी फिर से पार्टी का नेतृत्व करें। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बनना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस में इस समय काफी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिर्फ रणदीप सुरजेवाला ही नहीं, शशि थरूर सहित कई नेता इस मुद्दे पर मीडिया में बयान दे चुके हैं। कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व की दलीलें पेश करने वाले वर्ग का विरोध भी शुरू हो गया है और पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर ने राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष के रूप में वापसी की मांग की है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती देने वाले पार्टी के कुछ नेताओं के कदमों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का मुद्दा उठाने का ये सही समय नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस के अंदर से उठती आवाजों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि पार्टी को चुनावों की जगह सर्वसम्मति का एक मौका देना चाहिए। खुर्शीद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन है और भरोसा भी हासिल है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन पर अध्यक्ष का ठप्पा है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।